हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हम कंटिन्यूअस आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। तो आज ब्लैक फ्राइडे बोल सकते हैं, बहुत ही बुरा दिन था आज का और कंटिन्यूअस गिरावट रही और NFT में हमारा लगभग 3% के आसपास टूट गई हमारी निफ्टी। और देखा जाए तो ये ब्लैक फ्राइडे ही बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन कोई नहीं, 11,000 की रैली अगर दिया था सेंसेक्स ने तो थोड़ी बहुत गिरावट तो अब झेल सकते हैं। और इसका मेन रीजन था कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जिसके कारण काफ़ी फियर है मार्केट में और वीक्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो डर अभी भी बना हुआ है। और जो NFT का सपोर्ट है वो भी अभी काफ़ी नीचे है, तो यहाँ से भी अभी हमें 500 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल सकता है, 400 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक बार NFT का चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे कि किस स्टॉक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके और इस गिरावट में, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कब कहाँ से रिवर्सल NFT दे देगी। तो जैसे जैसे ही 17,700 का जो लेवल टूटा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 700 पॉइंट का बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को हमें मिला, तो इसी तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि कब रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार, पहले निफ्टी का चार्ट एक बार देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और आप अभी अगर देखोगे यहाँ पे तो एक जो ये थोड़ा सा सपोर्ट, अभी यहाँ पे एक छोटा सा जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है वो है 17,600 का, 16,600 का एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। और जो सबसे स्ट्रांग जो सपोर्ट है और जो अभी फियर बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 17,600 पे टिकेगा ये हमें हो सकता है कि अगर माहौल ऐसे ही रहा डर का और कोविड का, ऐसी न्यूज अपडेट होती रही, तो ये एक बार हमें यहाँ पे जो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आप जो देख रहे हो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये लेवल एक बार हमको देखने को मिल सकता है 16,000 के आसपास, 15,900 यानी 16,000 के आसपास का हमें एक बार लेवल टच करता हुआ, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अभी एक छोटा सा सपोर्ट है वो यहाँ पे एक बार अगर कुछ न्यूज अच्छी अपडेट हो जाती है तो यहाँ से एक बार ये बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा और 100-200 पॉइंट का आपको हमेशा मोमेंट देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज इससे ज्यादा ग्रीडी ना बने कि अरे हम तो चूक गए, तो इसलिए हम जो भी खरीदारी करेंगे पार्ट बाई पार्ट करके बाइंग करेंगे। और उसके लिए जो स्टॉक्स हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो यहाँ से उनमें गिरावट बहुत कम देखने को मिल रही है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। तो आइए हम फटाफट वो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है CDSL, देखिए इसमें क्या है, कोविड हो कुछ भी हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा जब पूरे लॉकडाउन में जब ये हमारा BSE NSE चल रहा था, ट्रेडिंग चल रही थी, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है कि क्या नुकसान हो रहा, और ज्यादातर लॉकडाउन में ही सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे। तो इसलिए हमें ऐसे ही स्टॉक्स को लेके चलना है जिससे उनके बिजनेस पे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो तो कोई इनके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला है CDSL। CDSL में हम एक बार चार्ट आइए देखते हैं। तो ये CDSL का चार्ट है, तो ये आप देखोगे CDSL अभी जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, ये छोटा सा एक कप था यहाँ पे और इसने ये ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद फिर से ये रीटेस्ट करके और यहाँ पे ये दो बार अभी तक होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इससे नीचे नहीं आ रहा है। तो एक बार इसमें हम छोटा छोटा हम इसमें स्टॉप लॉस देखिए, ये ऐसे स्टॉक है और ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि हम स्टॉप लॉस लेके अभी काम करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि
गिरावट ऐसे पैनिक बना हुआ है कि वो स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा लेके चलना पड़ेगा। लंबा डेट मीन कि मीडियम टर्म का लेके चलना पड़ेगा, 3 से 6 महीने का टाइम इसमें हमें देना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हम इसमें जैसे अगर हमें CDSL के 50 शेयर लेने हैं तो हम 10 आज लेंगे, फिर अगली अगर गिरावट मिलती है 5% की 4% की तो फिर हम उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते रहेंगे और वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट देते रहेंगे कि अब इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बन रही है क्योंकि इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया हुआ है। और हमारा दूसरा स्टॉक है मोरपेन लेबोरेटरी, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चला था कोविड के टाइम पे, जबरदस्त रैली दी थी, लेकिन अभी आप इसमें देखोगे तो एक अच्छा खासा 6 मंथ में आप देखो 12% की लगभग गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो इसका हाई है 75 है, 52 वीक हाई है और ये अभी 50 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज मैंने इसको बाई करने के लिए रिकमेंड भी किया था और मैंने बाई भी किया था, खुद भी मैंने इसमें पोजिशन बनाई थी। आइए हम देख लेते हैं क्यों हम इसमें बाई किया था। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है कि ये छोटे छोटे इक्विपमेंट और ये सब चीजें प्रोवाइड कराता है, पीपी किट, इन सब चीजों से ये कंपनी रिलेट करती है, तो इन सब चीजों का डिमांड वैसे ही बढ़ जाता है, तो सेंटीमेंट के उस पे, और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जबरदस्त। 2021 मार्च का जो 1 ईयर का फाइनेंशियल हम देखेंगे सुपर है, तो यहाँ से एटलीस्ट 75 ये फिर से टच करता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी इसमें करेक्शन भी बहुत हो चुका है और फिर इन्हीं के फेवर की न्यूज है, आज आप देखो फार्मा इंडेक्स लगभग 300-400 पॉइंट तक का जंप देखने को मिला फार्मा इंडेक्स में। सारे इंडेक्स रेड थे लेकिन फार्मा इंडेक्स है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये NFT फार्मा है, आप देखोगे तो इसने हाई बनाया था 13,990 का और जो क्लोजिंग हुई है 800 के आसपास हुई है, 250 पॉइंट के आसपास इसने, तो सारे इंडेक्स आप देखो रेड में था लेकिन फार्मा इंडेक्स तेजी था क्योंकि भाई दवाओं का और इक्विपमेंट का इन सब चीजों का डिमांड बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो ऑलरेडी ये बहुत पिट चुके हैं फार्मा स्टॉक, तो पॉसिबिलिटी है इनमें ये फिर से एक बार रैली हमें दिखाएं। तो आइए एक बार मॉर्फिन का हम चार्ट देख लेते हैं। मॉर्फिन में आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वायलेट कलर की आपको लाइन जो दिख रही है, ये 200 DMA है, 200 DMA पे सपोर्ट ले रहा है यहां से और सपोर्ट लेके यहां से बाउंस बैक दे रहा है। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस भी लेना है इसमें तो आप इसी को स्टॉप लॉस लेके, अगर क्वांटिटी उठाना है तो इसी को स्टॉप लॉस लेके आप 48 का स्टॉप लॉस लेके इसमें क्वांटिटी लेके भी पोजीशन बना सकते हैं। बाकी इनको जिनको थोड़ा सा क्वांटिटी रखना है तो बिना स्टॉप लॉस के इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटिमेंट है, न्यूज है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट पे ही क्लोजिंग भी दिया है तो यहाँ से हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है और जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न बहुत ही शॉर्ट बेसिस पे भी, तो मुझे एक बार ये 52 वीक जो इसका हाई था वो 46% का यहाँ से रिटर्न आता हुआ हमें दिख सकता है। ये आप देख रहे हो इसी लेवल को ये 3-4 बार सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 200 EMA पे सपोर्ट लेके वापस जा रहा है, तो सारी चीज हमारे फेवर में है, यहाँ से हमें एक अच्छा जंप इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है जो हमारा थर्ड स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, डिविस लैब, थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथ, ये सबका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कोविड की वजह से, लोग टेस्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली इनका डिमांड बढ़ना है, तो इसीलिए अभी हमें ऐसे ही स्टॉक्स पे फोकस करना है। थायरो केयर को अगर हम देखें, इसका चार्ट एक बार अगर देखें, आज इसने बहुत ही अच्छा जंप भी दिखाया था, 5% का हाई भी बनाया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो पैनिक में निगेटिव में हुई है, लेकिन हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये है, ये जो इसका पहले रेजिस्टेंस था ये आप देखोगे, ये अब ये
सपोर्ट का काम यहाँ पे ये कर रहा है और ये बहुत अच्छे से इसको होल्ड कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से रिस्क रिवार्ड, जिसको स्टॉप लॉस लेके भी इसमें काम करना है वो स्टॉप लॉस भी ले सकता है। 1000 का स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए और यहाँ से बहुत ही अच्छा हमें जंप देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इसमें बाउंस मारेगा तो देखिए हर बाउंस पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, लेकिन अभी जो अब मुझे वैसे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत है, बट फिर भी सेंटिमेंट है और इस चीज का ऑपरेटर पूरा फायदा उठाएंगे, नीचे मार्केट को लेके जाएंगे और माल भरेंगे, लोग पैनिक होकर रिटेलर अपना सेल करेंगे। तो और जिनके पास भी स्टॉक्स हैं, अगर क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो होल्ड करिए। मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी आज काफी डाउन हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है, और मार्केट में अगर हम लोग हैं तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से इसमें थायरो केयर में बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, सेंटिमेंट है, न्यूज है, और फार्मा कंपनीज का फिर से डिमांड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी जो भी इसका है, हम रिसेंट में जो भी चल रहा है इसमें हम अपना फायदा इसमें उठा सकते हैं। तो थायरो केयर तीसरी कंपनी हमारी है, पहला हमारा स्टॉक हो गया CDSL, दूसरा स्टॉक हमारा हो गया मोरफेन लैब, और थर्ड स्टॉक है हमारा थायरो केयर। फोर्थ स्टॉक जो हमारा है, जो फोर्थ स्टॉक है IEX। IEX को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं, इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी इसमें बन नहीं रही है बाई करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसको भी हर डिप में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेक्टर की ट्रेडिंग और जो भी बिजली का, ये सारी चीजें खत्म नहीं होने वाली है, कोविड हो या कुछ भी हो, इनका तो प्रॉफिट चलना ही है। बट इसका अभी रीजन ये है इस स्टॉक को अभी पिक करने का कि 3 दिसंबर को आप देखोगे तो इसके बोनस की डेट है, एक्स डेट है, और उससे पहले मुझे ये एक बार 900 के लेवल फिर से दिखा, 900 प्लस के लेवल आता हुआ दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा मतलब मैं श्योर हूं कि एक बार ये हमें 900 प्लस का लेवल दिखाता हुआ मिलेगा। तो इसलिए इसको हमने कंसीडर किया है IEX को। बाकी फ्रेंड्स आप प्लीज पैनिक मत हो इसमें, और अभी थोड़ा क्वांटिटी में चीजें बाई मत करो कि अरे ये तो 5% 7% गिर गया आज ही हम खरीद लेते हैं, तो थोड़ा सा अभी स्टॉक्स को अवॉइड करिए। अच्छा एक और स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा सेटअप है उसका, वो स्टॉक है चोला फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस। ये आप देखोगे ये स्टॉक 200, ये लाइन है 200 ईएमआ की, 200 ईएमआ पे सपोर्ट ले रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं इसमें मैं कहूंगा इसमें आप स्टॉप लॉस लेके अगर आपको एंट्री लेनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें एक छोटी सी एंट्री 530 का स्टॉप लॉस लेके इसमें आप एंट्री ले सकते हो, और जरा सा भी एक जंप मारेगा तो इसमें से फिर आप एग्जिट हो जाओ। जो जंप मारेगा तो 5% 7% आपको ये आराम से दे सकता है, 5 to 7% ये आराम से जंप दे सकता है, क्योंकि ये 200 ईएमआई से एक बार जरूर जंप मारने की पूरी कोशिश करेगा। जरा सा भी अगर मार्केट सही होती है ना, तो शॉर्ट कवरिंग भी अगर आती है तो ये हमें एक बार 5 से 7% का जंप दिखा देगा, तो हम वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, 10 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन हमें यहाँ पे जो ऊपर टारगेट हमारा 5 to 7% का दिख रहा है सीधा सीधा, 200 यमा से एक बार जरूर स्टॉक जंप देता है अगर बहुत पैनिक की सिचुएशन ना हो तो। तो फ्रेंड्स तो ये हमारे 5 स्टॉक थे, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें हमसे पूछ सकते हैं और हम जरूर अपडेट देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ब्रेक के बाद। जय हिंद जय भारत।